फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ्लूड का फ्लो क्या होता है और किस तरह से वो मूव करता है। देन टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, अगर आपकी किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो टेम्परेचर होता क्या है, कैसे थर्मोकपल वर्क करते हैं, कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमें टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने में काम आती हैं। तो इसीलिए हम सारी की सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में पहले हम स्टडी करते हैं, पहले हम इनके बारे में देखेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निकल टर्म आती है वो है हमारी फोर्स, कि हमें फोर्स की स्टडी करनी होती है। तो फोर्स है क्या एक्चुअली? फोर्स इज द मैकेनिकल क्वांटिटी विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द मोशन और शेप ऑफ ए बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। तो दैट मीन्स एक ऐसी मैकेनिकल क्वांटिटी जो कोशिश करती है या चेंज कर देती है, विच चेंज और टेंड टू चेंज, या तो वो कोशिश करती है चेंज करने की या वो चेंज कर देती है, क्या मोशन को या फिर शेप ऑफ ए बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड, किसी भी बॉडी की शेप या मोशन जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो जो क्वांटिटी आपके मोशन को, बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है या चेंज करना चाहती है वो क्वांटिटी आपकी कहलाती है फोर्स। देन द सेकेंड क्वांटिटी इज लॉर्ड सेल। लॉर्ड सेल आर डिवाइसेज फॉर द फोर्स मेजरमेंट थ्रू इनडायरेक्ट मेथड्स। अब यहाँ पे अगर हमें फोर्स का मेजरमेंट करना है तो फोर्स का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में भी आप अगर डायरेक्टली कोई क्वांटिटी है उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना वेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से कितना फोर्स कैलकुलेट हो रहा है, तो वो आपकी डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट में अगर उसी को हम किसी सेंसर्स के थ्रू, कोई डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट जो आ रहा है हमारा उसको एम्पलीफाई करके हम देख सकें, वो मेथड आपका कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो लॉर्ड सेल्स आपके डिवाइसेज हैं जिनको सेंसर्स के थ्रू सेंस किया जाता है वेट को और फिर उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं एज ए डिस्प्ले डिवाइसेज कि हमें जो भी कैलकुलेशंस वहाँ पे करनी है। देन टॉर्क। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स अबाउट एन एक्सिस। दैट मीन्स कोई भी एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो रोटेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स को क्या बोला जाता है, उसका टॉर्क। दैट मीन्स कि हम जो भी आपकी टेंडेंसी है फोर्स की कि किसी बॉडी को वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सके तो वो फोर्स आपका कहलाता है टॉर्क। देन थर्मोकपल। थर्मोकपल में क्या होता है, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंट टुगेदर, अलग अलग मटेरियल्स की दो मेटल्स होंगी उनको एक साथ हम ज्वाइन करते हैं, इट विल क्रिएट एन EMF एंड इट इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जंक्शन टेम्परेचर। तो जैसे ही हमने दो डिसिमिलर मेटल्स को एक साथ ज्वाइन किया और वहाँ पे उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो दोनों को अलग अलग करंट देने के ऊपर वहाँ पे क्या होगा, EMF जनरेट होगा और EMF जनरेट होगा तो वहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर क्रिएट होगा और उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर टेम्परेचर सेंसर डिवाइसेज की यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए डिवाइसेज में थर्मोकपल्स यूज किए जाते हैं ताकि दोनों में जो आपकी मेटल्स हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से कौन सी मेटल के अंदर ज़्यादा एक्सपांशन होता है या कम एक्सपांशन होता है उसके थ्रू आपका थर्मोकपल सेंस करता है। देन द फ्लो मीटर। फ्लो मीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो और क्वांटिटी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड इन एन ओपन और क्लोज्ड कंटेनर। दैट मीन्स किसी भी ट्यूब के अंदर अगर हमें फ्लो को मेजर करना है तो कितना फ्लूइड है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वहाँ से फ्लो कर रहा है, निकल रहा है, या फिर टोटल आपका जो फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी, जो भी आपका मूविंग फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इन चीज़ों को अगर हमें मेजर करना होता है तो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो डिवाइस आपकी कहलाती है फ्लो मीटर। देन थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। थर्मोमेट्री अगर हम टर्म को यूज़ करते हैं तो वो टर्म क्या कहलाती है, दिस इज ए साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। एनी मेजरेबल चेंज इन द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू मार्क टेम्परेचर लेवल्स दैट शुड लेटर बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट एन इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट, जो भी हम यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं, दैट मीन्स केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड इफ द मेजर इज टू बी रिलेटेड टू अदर थर्मोडायनेमिक वेरियल। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट करना चाहते हैं और कोई भी आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है उनके अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं
तो उनके लेवल को देखने के लिए हम टेम्परेचर लेवल्स को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करके दैट मीन्स हम उनको बार बार एडजस्ट करके सेट करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर आ रहा है वो इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी उस डिवाइसेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर और सही रिजल्ट दे। जैसे आप टेम्परेचर अगर मेजर करते हो तो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और कौन सी यूनिट है आपको स्टैंडर्डली वहाँ पे फॉलो करना है, वो आपकी डिग्री सेल्सियस है, आपकी केल्विन है, फारेनहाइट है, या कोई भी आपकी यूनिट है जिसके अंदर आप वहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर। RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस बेसिस के ऊपर जो भी आपके टेम्परेचर डिटेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके RTD सेंसर। ये सेंसर होते हैं जो कि आपके रेजिस्टेंस की वजह से अगर वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है और रेजिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उस रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिटेक्ट किया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स होते हैं मोस्टली उनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर कम करने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे हम सेंसर्स को यूज़ करके टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम आपकी डायनोमीटर। डायनोमीटर और डायनो फॉर शॉर्ट ए डिवाइस यूज टू मेजर पावर और टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन। तो डायनोमीटर एक्चुअली जो डिवाइस है वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी इंजन से अगर हम पावर यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स जो भी आपकी डिवाइस है जो हमें पावर दे रही है वहाँ पे हमारी एक रोटेटिंग शाफ्ट होगी, उस रोटेटिंग शाफ्ट के थ्रू हमें वहाँ पे पावर मिल रही है। तो जो भी ऐसी रोटेटिंग पावर हमें मिलती है किसी भी इंजन से या किसी और डिवाइस से, अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए जो मीटर हम यूज़ करते हैं वो मीटर हमारा कहलाता है डायनामोमीटर। अब आता है आपकी टर्म मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये हमने पहले तो टेक्निकल जो टर्म्स थी सारी वो पढ़ी, अब हम मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो दैट मीन्स कि फोर्स का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं और फोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो फोर्स यही है जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि मैकेनिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द मोशन और शेप ऑफ ए बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज ए बेसिक इंजीनियरिंग पैरामीटर द मेजरमेंट ऑफ विच कैन बी डन इन द मेनी वेज एज फॉलोज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड आपका कौन सा है? इट इन्वॉल्व ए डायरेक्ट कंपेरिजन विद ए नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए स्टैंडर्ड मास से बाई ए बैलेंस। तो यहाँ पे हम कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं फोर्स को, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जो वेट हमारे पास है उस वेट से हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे आपकी कोई भी बॉडी है उसका सेल्फ वेट है और उस वेट को अगर हम किसी दूसरे नॉन वेट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर इतने वेट का फोर्स अप्लाइड है। तो ऐसा ही हम करते हैं जहाँ पे जितना भी फोर्स हमें अप्लाई करना होता है उसके लिए साथ में कोई भी दूसरी अगर नॉन क्वांटिटी है उससे अगर कंपेयर करके उस फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है तो वो मेथड कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। बट इन द इनडायरेक्ट मेथड इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी सच एज एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ नॉन मास सब्जेक्टेड टू फोर्स। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई भी फोर्स है उसके ऊपर इफेक्ट की वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है तो उन्हें अगर हमें मेजर करना है दैट मीन्स हम डायरेक्टली फोर्स को मेजर नहीं कर रहे हैं बट फोर्स की वजह से उसके ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें यहाँ पे मेजर करना है। तो जैसे एक्सेलरेशन का अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, अगर वहाँ पे फोर्स आपका चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज होगा तभी आपकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस आएगा और वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ही आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। देन डिवाइसेज टू मेजर फोर्स, डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो कि आपके फोर्स को मेजर करने में काम आती हैं। स्केल एंड बैलेंसेज में अगर हम देखेंगे तो इक्वल आर्म बैलेंस, अनइक्वल आर्म बैलेंस और पेंडुलम स्केल। तो इस तरह की अगर हमें आर्म्स देखनी है जिनके अंदर इक्वल आर्म में क्या होगा आपके दोनों तरफ सेम बैलेंस के ऊपर आर्म रहेगी और वहाँ आप इक्वल वेट यूज करके बैलेंस को चेक कर सकते हो। अनइक्वल आर्म बैलेंसेज में जहाँ पे आपकी आर्म्स हैं वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होती, दैट मीन्स एक अगर लंबी है दूसरी छोटी हो सकती है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कैलिब्रेट किया जाता है ताकि हम वेट को इजीली मेजर कर सकें। पेंडुलम स्केल जिसके अंदर आपके स्केल के मूवमेंट होता रहता है, जैसे हम वेइंग मशीन देखते हैं तो वेइंग मशीन के अंदर आप देखोगे तो एक डिस्क होती है और वो डिस्क एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर रोटेट करती है।
जैसे वो रोटेट करेगी, आपने वेट हटाया, वो वापस अपनी लोकेशन के ऊपर आ जाती है। तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लेफ्ट और राइट रोटेट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ पेंडुलम। इलास्टिक फोर्स मीटर, जो कि आपके प्रूवन रिंग जो है, प्रोविंग रिंग, उसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर लॉड सेल। लॉड सेल होते हैं आपके सेंसर्स, जो आपके स्ट्रेन गेज लॉड सेल हो सकते हैं, हाइड्रोलिक हो सकते हैं या न्यूमेटिक हो सकते हैं। ये डिफरेंट आपके लॉड सेल्स हैं जो सेंसर्स के रूप में वर्क करते हैं, और इनसे हम यहाँ पे फोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल एंड बैलेंसेज में है आपके, मोस्टली हमें जो यहाँ पे स्टडी करना है